समाजवादी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का अस्थि कलश मधुबनी के सकरी NS-57 से गुजरा। इस मौके पर कलश यात्रा में शामिल होने व श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ी। इस दौरान शरद यादव अमर रहे और मंडल मसीहा अमर रहे का नारा लगाया गया। कलश यात्रा के साथ राजद के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी एवं राजद के ही वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री श्याम रजक चल रहे थे। वही सक्रिय NS-57 पर दिग्गजों में पूर्व मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव, उद्योग मंत्री समीर महासेठ, राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद, विधायक भारत भूषण मंडल, पूर्व विधायक सीताराम यादव, जिला परिषद सदस्य सईदा बानो समेत अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। सभी ने शरद यात्रा के कलश यात्रा में शामिल होकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि शरद यादव की बेटी सुभाषिनी एवं बेटे शांतनु अस्थि कलश लेकर बिहार आए हैं। शरद यादव ने 12 जनवरी को गुरुग्राम के एक हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली थी। उन्हें 75 वर्ष की आयु में देह त्याग दिया और इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को विमान से दिल्ली से मध्य प्रदेश ले जाया गया था, जहां उनका अंतिम संस्कार उनके मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित पैतृक गाँव आंखमऊ में किया गया। अब उनके अस्थि कलश यात्रा को पटना से कई जिलों से होकर मधेपुरा लेकर जाया गया और मधेपुरा से शरद यादव कई बार सांसद भी रह चुके थे। बताते चले कि शरद यादव राजनीतिक पार्टी जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। शरद यादव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक थे, परंतु उनकी पार्टी द्वारा गठबंधन से संबंध विच्छेद कर लेने के कारण उन्होंने संयोजक पद से त्यागपत्र दे दिया था। राजनीतिक गठजोड़ के माहिर खिलाड़ी शरद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक गुरु माना जाता है। आप देख रहे होंगे मधुबनी जिले के सभी इम्पोर्टेंट लोग यहाँ हैं। हमारे एमपी साहब हैं, पूर्व एमपी साहब हैं, पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, जिला पार्षद हैं, मुखिया जी हैं, मैंने सुंदर बाबू से लेकर के हम ये कह सकते हैं कि पार्टी में एक अलग ये है कि कैसे शरद जी जो जन जन से जुड़े हुए थे और उनका अस्थि कलश यहाँ से गुजर रहा है, उस कार्यक्रम के लिए लोग सकरी में लोग आए हुए हैं और सबों से यही अपेक्षा है कि कम से कम एक फूल का माला हम उनके समर्पित करें, ताकि देश दुनिया में ये गरीब गुरबा के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी का निर्देश था कि हम लोग, तेजस्वी जी का निर्देश था कि हम लोग मिलजुल करके ऐसा एक जो आप देखिए, शरद यादव समाजवादी आंदोलन के बड़े नेताओं में उनकी गिनती रही है। वो सिर्फ पुरुष थे समाजवादी आंदोलन के, और जिंदगी भर समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, समाजवादी विचारधारा को जमीन पर उतारने के लिए वो लंबे जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। आज उनका अस्थि कलश आ रहा है, हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ खड़े हैं, और फिर मधुबनी जिले में जब तक उनका अस्थि कलश रहेगा हम लोग उनके साथ रहेंगे। समाजवादी लीडर, समाजवादी हाउस को आगे बढ़ाने वाले आदरणीय शरद जी के को हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। पूरे मधुबनी के जितने हम लोग लीडर हैं, हमारे RJD के चाहे जदयू के, सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग यहाँ दें। इसी के लिए सर के शरद जी का अस्थि कलश यहाँ सक्रिय होकर गुजर रहा है, यहाँ हम सब लोग उनके अस्थि कलश को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए बैठे हुए हैं। उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएँ और हम लोग उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। उनका योगदान रहा है, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चूँकि उनके साथी रहे हैं, उनके इसलिए उनका आदेश हुआ कि उनको हर जगह उनके कार्यकर्ता उन लोग मिलकर उनको।